खुलासा, साला ही निकला जीजा का हत्यारा। अपराधों के त्वरित निराकरण हेतु जिला पुलिस कप्तान श्री प्रदीप शर्मा द्वारा दिए जा रहे निर्देशों के पालन में सारंगपुर थाना प्रभारी श्री उमाशंकर मुकाती एवं उनकी टीम द्वारा हत्या का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 8 अगस्त 2020 को डायल 100 पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम चौड़लिया में नीम के पेड़ के नीचे एक आदमी अचेत अवस्था में गिरा पड़ा हुआ है। सूचना पर 100 डायल मौके पर पहुंच गई और अचेत व्यक्ति को लेकर अस्पताल सारंगपुर लाए, जहां डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। तदोपरांत मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया। थाना सारंगपुर में मृतक शिवलाल पिता मदनलाल जाति पाल उम्र 45 साल निवासी बिलोदा पाल का मार्ग क्रमांक 48/20 धारा 174 जाफो का कायम कर जांच में लिया गया। मार्ग जांच के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका तैयार किया गया एवं FSL टीम द्वारा भी घटना की बारीकी से निरीक्षण किया गया। घटनास्थल के निरीक्षण से प्रथम दृष्टिता घटना मारपीट एवं हत्या करने से संबंधित लग रही थी। पुलिस द्वारा लगातार जांच जारी रखते हुए साक्षियों के कथन लेख किए गए एवं अस्पताल सारंगपुर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें डॉक्टर साहब द्वारा सिर में चोट होने एवं अधिक रक्त त्राव होने के कारण मृत्यु होना लेख किया। घटना के निरीक्षण, साक्षियों के कथन एवं मार्ग सदर की संपूर्ण जांच से आरोपी ईश्वर पिता रतनलाल पाल निवासी चौड़लिया के विरुद्ध अपराध धारा 302 भादवी का अपराध घटित जानिक से थाना सारंगपुर पर अपराध क्रमांक 403/20 धारा 302 भारतीय दंड संहिता का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण के दौरान विवेचना आरोपी ईश्वर पाल से पूछताछ की गई, जिसमें उसने बताया कि मृतक शिवलाल पाल रिश्ते में उसका जीजा जी लगता था, जो अत्यधिक शराब का सेवन करता था। इसके साथ ही चोरी डकैती जैसे अपराधों में संलिप्त रहा था। यही नहीं, खुद की निजी जमीन 30-45 बीघा बेचकर आवारा घूमने लगा था एवं आए दिन मेरे घर आकर मुझसे मारपीट करता था, मेरे परिवार वालों को गाली गलौज देता था तथा मेरी बहन के साथ भी मारपीट करता रहता था। पूर्व में भी मुझसे वह कई बार झगड़ चुका है। इसी रंजिश को लेकर हम लोगों ने घटना दिनांक को विवाद हुआ था, जिसे मेरे द्वारा डंडे से मारा पीट कट जिसे मेरे द्वारा डंडे से मारा मारपीट में आई कट जिसे मेरे द्वारा डंडे से मारपीट में आई चोटों से जीजा शिवपाल की मृत्यु हो गई। पूर्व में हुए झगड़े में आरोपी ईश्वर पाल द्वारा मृतक शिवपाल के साथ मारपीट की थी, जिस पर धारणा सारंगपुर में अपराध क्रमांक 178/16 धारा 324 341 323 294 506 34 IPC का पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण में आरोपी को आज दिनांक 10 अगस्त 2020 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। उपरोक्त सफल कार्रवाई में थाना प्रभारी उमाशंकर मुकाती, SI देवीलाल यादव, आरक्षक नवीन, आरक्षक गजेंद्र एवं आरक्षक दिवाकर वर्मा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कुछ दिन पहले नगर की शिकायत हुई थी, उसमें आरोपी गिरफ्तार का जब खुलासा हुआ करते मामले में, ये 3/8 को 100 डायल पर सूचना प्राप्त हुई थी कि चोड़लिया गांव में एक व्यक्ति नीम के पेड़ के पास अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसको लेकर आए थे 100 डायल द्वारा। उसका जैसे अस्पताल लाए थे, डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया था। उसके बाद मर्ग जाँच कायम कर उसकी जाँच की गई थी। जांच के दौरान PM रिपोर्ट और घटना स्थल निरीक्षण से मृतक के सर में चोट होने के कारण उसकी मृत्यु होना पाया गया था, जिस पर से संपूर्ण जांच कर आरोपी ईश्वर सिंह के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर उसको आज गिरफ्तार किया है, जो मृतक शिवलाल का जीजा है, वो साला है। साले ने ही पुरानी रंजिश को लेकर उसके साथ मारपीट की थी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। पूर्व में भी जिनका झगड़ा हुआ था, जिसमें अपराध कायम है, और जो मृतक है उसके विरुद्ध भी अपराध है, आपराधिक किस्म का था।